नेक्स्ट कॉलर अंकित हैं हरियाणा से, चीनी के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए अंकित। हेलो जी अंकित, पूछें। सर ये चीनी में क्या दिख रहा है? चीनी का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। आस्था बताएं, जो फंडामेंटल हमने बताए हैं अभी कि चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है, ऐसे में 15 से 20 दिन में चीनी का प्राइस आप कहाँ पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, चीनी का आउटलुक अभी यहाँ से काफी पॉजिटिव है। 15 से 20 दिनों की बात करें, 3500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, 3500 से 3500 तक के भी मई कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करें, 3500 के टारगेट के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेचुरल गैस की बात करें अगर, तो आज इस कॉन्ट्रैक्ट में भी शुरुआती दौर में अच्छी खासी हलचल दिखी थी, लेकिन अब बाजार एक बार फिर से सुस्ती के मूड में आ चुका है। प्रियांक, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में एक अच्छा राइज देखा है हमने, फ्रॉम 110 से ऑलमोस्ट 122-125 के भाव आ चुके हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, बट ओवरऑल अंडरटोन थोड़ा बायस अपसाइड का रहना चाहिए, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी शुड सी 130-132 लेवल्स। नेक्स्ट कॉलर जतिन है अहमदाबाद से, सोया तेल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए जतिन। नमस्कार मेहतु जी, मेरा सवाल सोया ऑयल पे था। सोया ऑयल मुझे पोजिशनली बाय करना है 1 महीने के लिए, तो कौन से लेवल बाय के लिए बेस्ट रहेंगे और इंट्रा कल के लिए क्या चाल रहेगा? अरे ठीक है आस्था, पोजिशनल ट्रेड ये करना चाहते हैं सोया तेल में, क्या आपको लगता है कि सही प्राइस है बाइंग के लिहाज से? सोया तेल की बात करें और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 628 के आसपास आज अभी ये ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वीकनेस इस काउंटर पे बनी हुई है, अभी बाइंग ना करें, नीचे आता है 600 के आसपास तो बाइंग करें, हाल फिलहाल वेट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था आपका और प्रियांक उपाध्याय आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।